सबके डाले हैं, आपके भी। तो मेरी तबीयत आजकल इतनी ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है। जब से मैं होम टाउन से आई हूँ ना, तब से ही मुझे कोल्ड एंड कफ है, जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर पे भी गई थी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, बट स्टिल अभी भी मतलब इतना ज़्यादा ठीक नहीं है तबीयत। तो नेक्स्ट डे था, थर्फ का स्कूल और सुरेश का ऑफिस भी था, तो एक दिन पहले मैंने इडली वगैरह बनाई थी रात में, जिससे कि मुझे लगा कि नेक्स्ट डे सुरेश को ऑफिस में भी मैं वही दे दूंगी। जनरली जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ जो एक से दो टाइम चल जाए, जिससे कि ना ज़्यादा कुछ काम मतलब नहीं करना पड़े और तीन टाइम खाना जनरली नहीं बनाना पड़े, वरना ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सांभर वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर रात को मतलब बना दिया था। सांभर में मैं लौकी भी डालती हूँ, ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा पम्पकिन हो गया, और ये बैंगन थे छोटे वाले वो मैंने ऐड करे थे, थोड़ी सी मैंने भिंडी ऐड करी थी, और यही सब मतलब वेजिटेबल्स जो होती है ना मैं सांभर में ऐड कर देती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है सभी को ना। और सांभर जनरली वैसे भी दो दिन का काम आ ही जाता है। तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मेरा जो काम है वो कम हो गया था, बस मैंने अथर्व के लिए ही चीला बनाया था स्कूल के लिए, वो भी उसी की ही डिमांड थी कि मम्मी आज मेरा फर्स्ट डे है स्कूल का तो मुझे चीला देना आप स्कूल में, उसको बहुत ही अच्छा लगता है चीला, सॉस के साथ मैं दे देती हूँ। थोड़ा सा मैंने स्वीट रख दिया था और थोड़े बहुत जो गुआवा थे वो मैंने कट कर दिए थे अथर्व के लिए, और सुरेश के टिफ़िन के लिए भी मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए थे। और मैंने क्या करा था ना, रात का सांभर तो था ही, तो सांभर दिया था और साथ में सुरेश को मैंने राइस दे दिए थे। इडली वगैरह जनरली मैं मॉर्निंग में फिर मतलब प्रिफर नहीं करती हूँ ना, बस ये कि सांभर था तो साथ में राइस हो गया था, तो सुरेश को मैंने इतना ही दिया था आज टिफिन में। तो आज हॉलीडेज़ के बाद अथर्व का फर्स्ट डे है स्कूल का, बट मुझे लगा था कि वो सुबह मतलब उठने में थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतने दिनों से ना मॉर्निंग रूटीन काफ़ी ज़्यादा बच्चों का चेंज हो जाता है हॉलीडेज़ में, बट थैंकफुली वो काफ़ी जल्दी उठ गया था। सुरेश में तब तक ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे, तब तक उसको मैंने बनाना दे दिया था और उसने ईजिली खा भी लिया था। मुझे लगा थोड़ा सा क्रैंकी रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, प्रॉपर उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी आज अपने स्कूल जाने की भी ना, और इतने दिनों बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशेस। तो आज है वेंसडे और आज है तर्फ का फर्स्ट डे स्कूल का, तो जस्ट वो अभी निकला है स्कूल के लिए और इतने दिनों के बाद स्कूल गया ना, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड था ना आज मॉर्निंग में, मम्मी मुझे ये देना टिफिन में वो देना, तो बस ऐसे ही है। और अर्थुन आज अभी भी सो रहा है, आजकल उसका जो मॉर्निंग रूटीन है बहुत ही चेंज हो रखा है, काफ़ी लेट उठता है वो। तो अभी ना जस्ट मैंने क्लीनिंग वगैरह ही करी है और मेरी जो तबीयत थोड़ा सा बेटर है इस बार। तो क्या हुआ ना, बिना मेडिसिन के मैं ठीक ही नहीं हुई। कई बार क्या होता है ना, कोल्ड एंड कफ खुद ही वैसे ठीक हो जाता है, बट इस बार थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया और कल मैंने मेडिसिन ली थी, तो आज थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ अभी। और अभी मैं पीऊँगी पहले कोकोनट वाटर, क्योंकि ना फिर ये अर्थ उठ जाएगा ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ब्रेकफास्ट के लिए ना, और इतना लंबा जब टाइम हो जाएगा ना तो फिर मुझे मेडिसिन वगैरह लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए यार, फिर पहले कोकोनट वाटर कर लेते हैं। और आज ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज वेंसडे था तो एग्स वगैरह का ही ब्रेकफास्ट होता है हमारा जनरली, बट अथर्व के स्कूल में क्योंकि अलाउड नहीं है तो आज चीले वगैरह भी बने, तो सब कुछ आज मॉर्निंग में मैंने कर लिया है। तो बच्चों के स्कूल की हॉलीडेज़ होती हैं तो लगता है कि अपनी भी हॉलीडेज़ ही हैं, तो बस हमारा रूटीन भी बहुत ज़्यादा आजकल गड़बड़ हो रखा था होम टाउन में। हमारा जो डाइट वगैरह थी मेरी वो भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से मेरा जो मैंने मतलब वेट भी थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया है, जो कि मैं सोच रही हूँ कि यार थोड़ा सा ठीक करा जाए, अदरवाइज़ ना यह बहुत स्वीट स्वीट चल रहा है बहुत टाइम से, तो इतना मीठा मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और मुझे खुद ही लग रहा था कि मेरा वेट मतलब काफ़ी बढ़ गया है इस एक डेढ़ हफ्ते में ना।
तो धीरे धीरे मैं अर्थू को भी रूटीन में ला रही हूँ। उसका मैंने फिर से एग्स वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं ब्रेकफास्ट में। तो उसके लिए सिंपल मैंने जो हाफ फ्राइड मैं एग बनाती हूँ उसके लिए वो बनाया था, और जिस दिन उसके लिए ये बनता है उस दिन मैं ब्रेड ऑमलेट ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे जनरली ब्रेड ऑमलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आजकल चाय वगैरह भी मेरी बहुत चल रही है यार, शुगर वगैरह सब कुछ, मतलब ना ये दिवाली का जो टाइम गया ना ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी गया है मेरा तो। और अगर मैं थोड़ा सा भी अनहेल्दी डाइट ले लेती हूँ ना तो मुझे खुद ही पता चलने लग जाता है, मेरी बॉडी ना खुद ही मतलब होता है ना इंडिकेशन देने लग जाती है आपकी बॉडी भी कि यार नहीं सूट हो रहा है सब कुछ। बट फिर भी अभी ये सब कुछ चल रहा है, पता नहीं है मैं कब इसको बंद करने वाली हूँ। बट हाँ अभी तो चाय वगैरह और बस ये फ्राइड वगैरह यही सब मेरा ब्रेकफास्ट में हो रहा है आजकल। और फर्स्ट क्राई से मेरे एक दो पार्सल भी आए थे, क्योंकि नेक्स्ट वीक अथर्व के स्कूल में पर्पल डे था। तो अथर्व के पास कोई भी पर्पल कलर की कोई टी शर्ट या शर्ट नहीं थी, तो मैंने पर्पल टी शर्ट मंगवानी थी। बट क्योंकि क्या होता है ना, आप एक चीज़ मंगवाओ तो उसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं, तो इस वजह से मैंने अर्थू के लिए भी एक स्वेट शर्ट मंगाई थी, बहुत ही कलरफुल सी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आजकल ना थोड़ा सा जो वेदर है वो नाइट में थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पर भी, तो फुल की स्वेट शर्ट वगैरह अच्छी लगती हैं बच्चों पर ना। और इसका यह ना कि फुल की हो तो आप हाफ की भी उसकी कर सकते हो उसको फोल्ड करके, तो वो भी काफी स्मार्ट लुक देता है बॉयज को। तो आजकल जो अथर्व का साइज है ना वो बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, 5 to 6 की मंगाऊं या 6 to 7 की मंगाऊं। तो दोनों ही मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं एक बार रिटर्न करा के दोबारा से मंगवाऊं। तो अथर्व पे आजकल जो साइज है वो 6 to 7 ही आ रहा है, 5 to 6 का उसको थोड़ा सा छोटा हो जाता है। आज अथर्व की ना बैकस की क्लास भी थी, तो मैं उसको बस ड्रॉप करके थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और रात को आज बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो गिफ्ट वगैरह भी मैं लेकर आई हूँ साथ में ना। तो पहले ना प्लान नहीं था एक्चुअली बर्थडे में जाने का, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कोल्ड एंड कफ है। बट अभी सडनली प्लान ये बनाया कि चलो चले जाती हूँ मैं उसको लेकर, क्योंकि ना फिर सारे फ्रेंड्स आते हैं फिर वो मिस करता है सब कुछ ना, तो वही है। तो फिर आते हुए भी मैं गिफ्ट वगैरह सब लेकर आई हूँ। और दिन में ना हम लोगों ने चीला वगैरह ही खा लिया था, ऐसे कुछ स्पेसिफिक मैंने आज कुछ बनाया नहीं था। और अर्थू अभी सो रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं डिनर की प्रिपरेशन करके चली जाऊँगी, क्योंकि अर्थ को मैं अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगी। सुरेश तब तक आ ही जाएंगे ना, क्योंकि मैं 7 or 7:30 तक जाऊंगी, तब तक सुरेश आ जाएंगे, उसके बाद ही मतलब मैं निकलूंगी। तो रात को थोड़ा बहुत प्रिपरेशन मैं एक कड़ी की करके चली गई थी, जिससे कि थोड़ा सा फिर बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि फिर अर्थू को भी ना फिर प्रॉपर अटेंशन चाहिए होता है जब अथर्व घर पे नहीं होता है। तो सिंपल तरीके से मैं बना रही थी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैंने नहीं बनाया, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बना रही थी इस टाइम पे डिनर। तो पहले ना एक्चुअली बर्थडे पार्टी में जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बट अथर्व ना जब जैसे ही स्कूल से आया ना, तो आते ही साथ वो बोलने लगा कि मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। क्योंकि स्कूल में ना आजकल बच्चों की बातें होती हैं, तो उसकी जो फ्रेंड है उसने बता दिया होगा कि वहाँ पर जो है वो मैजिक शो होने वाला है। और अथर्व इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना मैजिक शो के लिए, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो हमेशा मुझे भी बोलता है कि मम्मी हम मेरे बर्थडे में मैजिक शो हम करेंगे इस टाइप से। तो उसने सडनली ही ऐसे बोला कि मतलब जाना है, मतलब सुरेश को भी मैंने बाद में बताया कॉल करके कि हम लोग जा रहे हैं बर्थडे में, अदरवाइज ना मतलब बिल्कुल भी प्लान नहीं था। तो लास्ट मोमेंट में सब कुछ गिफ्ट परचेज करना ये सब हमारा लास्ट मोमेंट भी हुआ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अदरवाइज ना मैं थोड़ा पहले से हर चीज़ प्रिपेयर करके रख देती हूँ अगर कहीं जाना होता है नाइट में तो।
रात को बर्थडे पार्टी में बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, अथर्व ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ही खुश हो गया था वो ना मैजिक शो देखकर। स्पेशली वो इसी के लिए ही बर्थडे पार्टी में गया था, वरना ना वो ज्यादा अभी इतना ज्यादा वो नहीं होता कि बर्थडे पार्टी में जाना ही है। कोई उसका पर्टिकुलर कोई फ्रेंड होगा वो तभी जाना पसंद करता है, अदरवाइज ना वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है आजकल। तो चलिए यार, इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।